हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर समा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैक्सेंस होम्योपैथी की कफ एड प्लस कफ सिरप के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके की है। मैं इसकी पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन कफ सिरप होने वाली है ये, बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा था, तो मैंने सोचा इसे आप लोगों के साथ शेयर करना जरूर बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों को, एडल्ट को या बुजुर्गों को जो होती है वो होती है खांसी की प्रॉब्लम, यानी कि कफ की प्रॉब्लम काफी ज्यादा अभी बदलते हुए मौसम में लोगों को फेस करना पड़ रहा है। चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एडल्ट हो, हर एज ग्रुप के लोगों को कफ की जो प्रॉब्लम होती है वो काफी ज्यादा परेशान कर देती है। वूपिंग कफ होती है, काली खांसी होती है, या फिर उन्हें अस्थमा की वजह से भी बहुत बार लोगों को खांसी जो होती है वो बदलते मौसम की वजह से वापस से होने लगती है। उस कंडीशन में ये जो सिरप है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स अपना दे रही है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये कफ सिरप दिया है, तो इसका जो रिस्पॉन्स है मुझे काफी अच्छा मिल रहा है। तो अब बात करते हैं बैक्सेंस की जो मेडिसिन होती हैं वो काफी अच्छा, और इसके जो कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। तो जो कुछ कुछ कॉम्पोजिशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो सबसे पहला इसमें कॉम्पोजिशन है वो है र्यूमेक्स। र्यूमेक्स मैं अक्सर काली खांसी में देती हूँ, काफी अच्छा, और बहुत ही ज्यादा खांसी में दिक्कत होती है पेशेंट को, काफी ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में र्यूमेक्स काफी अच्छा वर्क करता है। अगली जो मेडिसिन है वो है जस्टिशिया। जस्टिशिया तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि एक ऐसी मेडिसिन है जो कि स्पेशली खांसी के लिए या फिर अस्थमा के लिए ही दिया जाता है। जस्टिशिया स्पेशली होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली सिर्फ खांसी से संबंधित हर तरह की प्रॉब्लम में इसे दे सकते हैं। उसके बाद की अगली मेडिसिन है ईपिकाक। ईपिकाक जो पेशेंट होता है वो काफी ज्यादा खांस रहा है और खांसते खांसते वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो उसे उल्टी हो जाती है, उस कंडीशन में ईपिकाक बहुत ही अच्छा वर्क करता है। उसके बाद की अगली जो मेडिसिन होने वाली है वो है बेलाडोना ब्राइनिया। में बहुत ही एक अच्छी मेडिसिन है वो है ऑक्यूमम सैंक्टम। ऑक्यूमम सैंक्टम आप सभी जानते होंगे कि काली खांसी में स्पेशली बहुत ही ज्यादा दिया जाता है। ऑक्यूमम सैंक्टम को मैं मदर टिंचर में देती हूँ, लेकिन जो इसमें ऑलरेडी मिला हुआ है और इसके जो कॉम्पोजिशन वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए इसका रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। अगर आप काफी ज्यादा दिनों से खांसी की वजह से प्रॉब्लम में है, आपके बच्चे को अगर काफी प्रॉब्लम हो रही है खांसी की वजह से, और आप बहुत सारे मेडिसिन दे चुके हैं पर उसे ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में इस सिरप को आप बच्चे को दीजिएगा। एक एक ढक्कन करके उसे दिन में 3 बार देना है। अगर बच्चा 5 साल के नीचे है तो उसे 1.5 ml करके दिन में 3 बार दीजिएगा। अगर बच्चा आपका 5 साल का ऊपर है तो उसे आप 5 ml करके दिन में 3 बार दे सकते हैं। काफी अच्छी मेडिसिन होने वाली है, और एडल्ट अगर है तो एक ढक्कन करके उन्हें दिन में 3 बार लेना है। मैं काफी ज्यादा दिनों से अस्थमा की प्रॉब्लम हुई है, सीने में घड़घड़ाहट की आवाज आ रही है, पेशेंट को खांसते खांसते उल्टी तक हो जा रही है, इस सब प्रॉब्लम से आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 60 ml, और इसकी जो MRP है वो है 70 रुपए के आसपास। आप इसकी बड़ी सीसी लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिल देगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।